ये वकील सोने का पानी चढ़ा या असली सोना ये बता दे बस एक बार। तुम्हारा ब्याह का है? किसका? तुम्हारे ब्याह का। ठीक है, नहीं नहीं रो मत मेरे दोस्त, इमोशनल कर दिया तूने दोस्त। पता साधना तेरे भाई चार पांच बारी पूछा अपना बर्थडे बता दे कब आता है, तू कहती डेट ही याद नहीं है, कैसे पता लगेगा? भाई मेरे को लग रहा है तू पहला केस राजू पे करना चाहेगा। ये रही हमारी नई वॉच, इसको लेने का मेन रीजन इसके अंदर कार्बन है भाई, इसका पूरा केस कार्बन का है। लग जाएगी, लग जाएगी। रुको, ये ऊपर भी नहीं जा रहा ना। और सुंदर लग रही हो मेरी तरह, जितना सुंदर मैं लग रहा हूँ उतनी ही लग रही हो, उससे ज्यादा नहीं लग रही। जाओ इस से निकल के जाओ। कोको गुड मॉर्निंग, बोलो गुड मॉर्निंग। काश ये बोलता होता कितना मजा आता हमें। वैसे गुड मॉर्निंग नहीं भाई, दोपहर के 3:45 हो चुके और ये देखो हमें सुबह सुबह सरप्राइज दिया इसने। 10 बजे पहुंच गया था, फिर मैंने बोला आराम कर ले, थोड़ा सो गया है। कोको मार इसके जरा, बोला इसको, बोला ऐसे कौन सरप्राइज देता है, फोन करके आना होता। चलो कोई बात नहीं, नहीं। लेकिन मजा आया। और एक गिफ्ट भी लेकर आया, कहाँ के गिफ्ट? महंगे वाला गिफ्ट लाया भाई साहब, महंगे वाला गिफ्ट भाई। वकील तू वकील से सुनियारा तो नहीं बन गया क्या? नहीं दिखाना लोहे वाला है, लोहे वाला भाई साहब, मेरे को लग रहा है सुनियारा बन गया भाई। गिफ्ट कहाँ गया, गिफ्ट कहाँ गया, दिखा दो कोई तो। गिफ्ट लेकर आया और मेरा टैबलेट कहाँ गया, वही टैबलेट यहाँ रख दिया। आजकल मैं इस पे वीडियो एडिट कर रहा हूँ ना, थोड़ा लेट हो जाओ, 2 घंटे वीडियो एडिट करने में लगते हैं, इसमें 3-4 घंटे लग जाते हैं, सीख रहा हूँ ना अभी। ये देखो खुल जाएगा आज की डेट में। हाँ खुल तो जाएगा। कोको भी आया देखने, कोको पहनेगा ये, है ना कोको? ये वकील सोने का पानी चढ़ा या असली सोना ये बता दे बस एक बार। तुम्हारा ब्याह का है? किसका? अरे ब्याह का, मैं ब्याह में नहीं लाऊं, पता क्या करूंगा? हाँ। ब्याह में थाली लूंगा और ये लेके और फिर सबके सामने वो स्टेज पे दूंगा। ये शादी का पहले इकट्ठे कर रहे हैं, एक बार इसने सोने की अंगूठी भी दी थी भाई। यार वकील सही में सोना है पानी चढ़ा, बता दे चेक करवाने जाऊं? नहीं, वो जो पहले रिंग दी थी वो काली तो हुई नहीं, काली नहीं हुई, नहीं लबच गया असली सोना है। ऐसी है। वाह वकील वाह, हमारा वकील कमाता है। हमारा वकील सुनियारा बन गया है। लूट लो इसको, लूट लो। चलो भाई रेडी शेडी होते हैं फिर आपको उसके बाद दोबारा मिलते हैं। चलो कोको इसको भी दिखाओ, इसको देखना है। अरे देखो लो, इसको दिखाया ही नहीं, वो बेचारा पीछे पीछे भाग रहा है। ये ये किसका फोन बज रहा है? ये मेरा। लो भाई बर्थडे मैडम का। कपड़े मेरे को समझ में नहीं आ रहे कौन से पहनूं, ये भी नए शर्ट लेकर आया था मैं और ये भी जो पहनी हुई ना नई है, देखो मैंने अभी टैग भी नहीं उतारा, देख लो तुम्हारे बर्थडे पे नई शर्ट पहन रहा हूँ, फिर मत बोलना तैयार नहीं होके जा रहा। फोन ही करा दो फटाफट से, फोन ही करके फिर आपको दिखाता हूँ शर्ट अच्छी लग रही है। मैं भी नए कपड़े वाले लेने वाली हूँ। नए कपड़े पड़े, नए कपड़े पड़े, नए कपड़े, जुबान लटखड़ आ गई ना, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें अब। अरे क्यों नहीं मिलेगा? ओ भाई ओ, कपड़े नहीं है। ओ हेलमेट बेचेंगे पहले तुम्हारा आज मार्केट में, जो जितने का बिकेगा उसके लेंगे हम दोनों कपड़े। चलो रेडी, अभी देखना तुम, ग्राहक है हमारे पास, वकील है ना, वकील ही खरीद लेगा इसको। वकील तुम पौड़ी रुक ही जाओ पहले, वकील वकील से पूछते हैं। वकील ये हेलमेट खरीद लेगा ना 50,000 रुपए का, सवा लाख रुपए का। वैसे हेलमेट लिए बहुत दिन हो गए है ना, हाथ मिला ले, डन हो गया भाई डील डन। 50,000 रुपए, 1,25,000, डन हो गया, 50,000 का बेच दिया मैंने इसको। चलो नहीं, आपने वैसे भी बोला था मुझे एप्पल के शोरूम पे जो मर्जी ले लो। वो गया वो दिन, नहीं आज है मेरा बर्थडे भाई। और जाओ यार तुम खुल जाओ। सिम सिम बाहर का मौसम चेक करें जरा एक बारी, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बेहतरीन। ये पीछे पीछे भागता हुआ आ गया। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और अभी का सीन क्या है ना, आज है साहिबा का बर्थडे, रात को हमने बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट किया था, सरप्राइज दिया था, हेलमेट दिया था गिफ्ट में, हेलमेट उनको बहुत ही सुंदर लगा। देखो आप किसी के लिए करते हो ना और उसको खुशी होती है तो आपको खुद को भी दिल से खुशी होती है। और सुबह सुबह इसने आगे सरप्राइज दे दिया, मेरे को भी फोन नहीं करा, साहिबा को भी नहीं करा, किसी को भी नहीं करा। सुबह बेल बजी, मैं 10 बजे ना वीडियो एडिट कर रहा था, वीडियो या पता नहीं फोटो एडिट कर रहा, बेल बजी, मैं इससे पूछ रहा हूँ साधना से कौन आया, सीधा अंदर करके मैंने बोला भाई साहब ये बढ़िया सरप्राइज है, चलो अच्छा है यार। हर बर्थडे पे ना चार साल से हर बर्थडे पे ये हमारे साथ होता है साहिबा के ना, और पिछली बार इसने रिंग दी थी, इस बार इसने बालियां दी है भाई, इतना मत करा कर अच्छा नहीं लगता। नहीं जनवन जनवन ठीक है, नहीं नहीं रो मत मेरे दोस्त, इमोशनल कर दिया तूने दोस्त। तो अभी अपना बैठ के डिस्कस कर रहे थे, मैं इसको कह रहा था भाई हम ना जितना भी साल में कमाते हैं ये और मैं,
ये वकील है भाई साहब, ये अपना वहां पर वकीलगिरी करके जितना भी, और मेरे को बहुत सारे कमेंट आते भाई इसको वकील मत बोला करो, देखो यार हमारी दोस्ती यारी अलग है, हमारे में चलता है। वो कहते भाई इसको प्यार से बोला करो, लॉयर बोला करो, वकील जी बोला करो। देखो मेरे लिए वकील ही है, आपके लिए वकील साहब होगा, लेकिन मेरा दोस्त है भाई। तो हम साल में जितना कमाते हैं ना, हम मतलब ये जितनी मेहनत करती है, मैं जितना मेहनत करता, सारा इसके बर्थडे पे खर्च हो जाता भाई। 1.25 लाख रुपए का हेलमेट, 20,000 रुपए के जूते, जितना मैंने साल में कमाया था सब गया इसने। 2,20,000। हम टोटल हिसाब किताब लगा रहे थे जब लास्ट वीडियो बनाई थी ना, पोनी कराते हैं पकड़ी की, तब हम वीडियो आ गई अंदर से खड़े होकर सुन रही थी ना, तो हमने पूरा हिसाब किताब लगाया। अरे रुक तो जाओ, अच्छा बताओ जो भी पति होगा वो अपनी वाइफ के लिए करते हैं कि नहीं? नहीं करते? नहीं, हम अरे बता रहे हैं हम तो ये बताने वाली क्या बात होती है, है? यार वो व्यूअर है ना, हम वैसे ही बता रहे हैं कि हम जितना कमाते हैं ना, कि हम उड़ाते हैं हमारा दिल। मैं भी जितना कमाती हूँ ना, मैं सीधा इसके ऊपर लगा देती हूँ। लेकिन ठीक है, तू क्या भोगी जा रहा है, इसका भी दोस्त आ गया, ये तो मजाक है, चलो ठीक है चलता रहता। देखो खर्चा जो होता है ना अपनों के लिए, मैं एक चीज बताऊं, पहले मेरी सोच अलग थी, जब मैंने नया नया मतलब थोड़ा इनकम करनी शुरू करी थी ना, जब मैं जॉब करता था, कि जोड़ते रहो ये भी लेना है वो भी लेना है। अभी क्या हुआ, पापा से डिस्कस करता हूँ ना, पापा के साथ बैठता हूँ, पापा कहते भाई देख कुछ नहीं पता, वक्त का भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं है, अभी सांस ले रहे शायद हो सकता है अगली सांस ना ले पाए, तो ऊपर वाले ने जितना लिखा हुआ है ना उतना ही जी के जाएगा, तो जितनी मौज ले सकते हो, मतलब ऐसा नहीं कि 10 रुपए कमा रहे हो तो उसमें से 4-5 रुपए खर्च दो, जितनी मौज ले सकते ले लो। हाँ मजा मुझे कमाने में आता है, मजा मुझे खर्चने में, बिल्कुल नहीं नहीं होना भी ऐसा ही चाहिए। मैं आपको भी कहूंगा अगर आप 10 रुपए कमा रहे हो ना, उसमें 4-5 रुपए खर्च लो, 4-5 रुपए जोड़ो इन फ्यूचर के लिए, कभी इमरजेंसी ना पड़ जाए। देखो आप चले जाओगे, आपके पीछे आपकी फैमिली तो है ना कुछ कोई ऐसे हादसा हो जाए कि कभी इमरजेंसी पड़ जाए, तो कुछ ना कुछ खर्चते रहो, ये नहीं कि 10 कमा रहे हो कि 10 के साथ जोड़ते जा रहे हो, फिर मौज कब लोगे यार, जोड़ के चले जाओगे। कमाई का 20% तो दान कर दो ना, कमाई का 20% दान कर दिया, 30% उड़ा दिया, 50% बचा लो। हाँ ये ठीक है, चल वकील अपन ना लेट हो रहे हैं, आ जा चले। सुनो तुम्हारा बर्थडे है ना, तुम घर बैठो, हम घूम के आते हैं, पार्टी हम करके आते हैं, तुम हमें महंगी पड़ रही हो, ये और महंगी पड़ जाएगी। हाँ क्या फायदा, ओए ये देखो ये जूते भी धो दिए भाई अपन ने ना, इतना बढ़िया हो गया। कोको हमारी परी बन गई है, हेलो परी कैसे हो, देखो आई 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 सोना सोन परी आई, खूंखार दांतों वाली परी है, ये यहाँ क्यों खड़ी है, क्योंकि इसको चिल्ला खाना है। इधर देखो कोको, ऐसे नहीं देखेगा, ऐसे खाने के साथ देखेगा, ये लो जहाँ खाना जाएगा मैं वहां देखूंगा। No! पहले इसको उतारूंगा फिर जो करना है। अब नहीं मिलेगा, अब तो मिलेगा ही नहीं। इसको क्यों उतारा है, ये आपकी ड्रेस थी आज की, अब नहीं मिलेगा। वकील तू लगाई हो? मैं आप अपने कुछ नहीं करूंगा यहाँ से, बॉडी वकील बाल कलर कराएगा 50,000 रुपए, ठीक है ना, जनवन है ठीक है ना भाई, जनवन है ना 50 क्या और ज्यादा, वो कह रही मत करवा, पिछली बार इतना बढ़िया नहीं लग रहा था, कितना बढ़िया लग रहा था, 5 लाख दोगे ना तो भी कुछ नहीं करूंगा। अच्छा ये तो लगा ले, इसको तो लगा, मैं नहीं लगा रहे। अबे इसको लगाने से क्या होगा, तो उसका बर्थडे है ना, अब तू तो लगा एक बारी। कैसा लगता है, बस छोड़ दे कानों के पीछे लगता है, तेरा खोपड़ा थोड़ा छोटा है, नहीं खोपड़ा बड़ा है। भाई साहब बढ़िया, वकील अगर पूरा दिन ये लगा है घूमेगी ना तो 5,000 नहीं, इसमें तो कलर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं नहीं लगा रहा है। तेरी मर्जी भाई, तेरी, मैंने तेरे को डील दे दी है भाई, बर्थडे उसका तू भी कमाना कुछ, अभी इतनी दूर से आई है खर्चा वर्चा करके, कुछ लेकर जाए आए तो है ना भाई, ठीक है ना, पूरा दिन लगा घूमेगी तो 5,000 मैंने बोल दिया, बाकी तेरी मर्जी भाई, मैं तो चिल्ला खा रहा हूँ। मेरे को नहीं ध्यान आ रहा मैंने अपना बर्थडे कब मनाया था लास्ट, मेरे को लग रहा है मेरे को ध्यान नहीं आ रहा मैंने कब मनाया था अपना बर्थडे। और मेरे को एक बात बता साधना, तेरे भाई 4-5 बार पूछा अपना बर्थडे बता दे कब आता है, तू कहती डेट ही याद नहीं है, कैसे पता लगेगा, अब हम बनाएंगे ना, बता तो सही कोई डेट तो बता, घर पे बता मम्मी को, नहीं किसको पता, आधार कार्ड पे देखनी पड़ेगी, आधार आधार कार्ड का है फोटो पड़ी है आधार कार्ड की, वो तो घर में है, बोले आधार कार्ड में देखना पड़ेगा, आधार कार्ड घर पे, अच्छा घर पे कोई भी नहीं है, घर खाली है, घर वाले कहीं गए हुए हैं, ये बता नहीं, पूछ के बताऊंगी, कब बताएगी, आज शाम को, आज शाम को पता हो सकता है इसका बर्थडे आजकल में ही हो, पता चला आज ही बर्थडे हो गई, नहीं नहीं तेरा बर्थडे हम मनाएंगे, तेरे लिए सरप्राइज लाएंगे, सब कुछ लाएंगे, तू बता तो सही, केक काटेंगे, कब बताएगी, आज ना बताया, अगर आज ना बताया तो बस देख लियो, तेरे को वकील के साथ सोना पड़ेगा,
यही तेरी पनिशमेंट है। नहीं, तेरे को वकील के साथ सोना पड़ेगा। भाई तो देख ले, वकील वो भी घबरा रही है। अकेले सोते हो? नहीं, डन है, डन है, डन है भाई। आज शाम को बता देगी। चले भाई, चले, चलो यार, चलो, लेट हो गए यार। साधना पूछ रही है खाना खा के आओगे। मैंने उसको बोला हम पहले 7-8 बजे घर आएंगे, वकील को छोड़ेंगे, फिर हम पर्सनल जाएंगे। और वकील पूछ रहा कहाँ जाओगे भाई, पर्सनल टाइम? क्या पर्सनल है? एक इंसान का पर्सनल टाइम होता है ना, जो अपनी बीवी के साथ जाए, थोड़ा घूम फिर के आए, एक पर्सनल टाइम जिसमें 4 महीने से पर्सनल जी रहे हो, जिसमें कोई भी कबाब में हड्डी ना हो। 4 साल से पर्सनल, 4 महीने से पर्सनल जी रहे हो? 4 महीने से मैंने एक भी चक्कर लगा। और हाँ भाई, बहुत सारे बंदे कमेंट करते हैं कि भाई अभी हमने साधना को कपड़े दिए थे ना, साधना को कपड़े की जरूरत नहीं है। मैंने 2-4 कमेंट देखे, साधना को कपड़े की जरूरत नहीं है, कपड़े उसके पास है, आप उसकी मनी में हेल्प करा करो भाई। हर चीज में अब हेल्प करते हैं, हमारे घर का मेंबर। अब ये चीजें दिखाऊंगा थोड़ी भाई, मैंने उसको इतने पैसे दिए, ये दिए, उसके घर पे दिए, यहाँ दी, ये चीजें दिखाई भी जाते हैं, तो मतलब ये चीजें दिखाई थोड़ी जाती है यार। मतलब अब एक एक चीज दिखाऊंगा ना, फिर तुम बोलोगे दिखावा, और नहीं दिखाऊंगा तो तुम बोल दो कुछ करते नहीं हो। इंसान करे तो करे, क्या कुछ ना करे तब मरे, कुछ करे तब मरे। चलो ठीक है, छोड़ो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो 3 साल से हमारे साथ इसलिए रह रही है ना भाई, क्योंकि उसको यहाँ पर खुशी मिल रही है, वो शी इज हैप्पी, हैप्पी अलॉट। चलो 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 भाई, कोको पूरा सजवाया था, और लाइटें भी हैं, लाइट ऑफ कर रखी है। ये रख ले, उठा के आगे रख ले। बताओ, लाइटें वाइटें सब ऑफ कर रखी है, बढ़िया है, सजी रहने देंगे आज के दिन ना, आज पूरा दिन बर्थडे मनाएगा। ये दे दे, बोल ये अपनी तरफ से दे दे, बोल मेरी तरफ से सरप्राइज, उसको क्या पता लगेगा। आजा आजा अंदर बैठ के रियो, ये वकील भी तुम्हारे लिए सरप्राइज गिफ्ट लाया है। क्या? बीच बीच में निकाल निकाल के दे रहा है। मुझे शादी के बाद ऐसा टावर चाहिए। टावर मतलब? टावर मतलब बच्चा कह रही है भाई साहब। बढ़िया बढ़िया, तो अभी पहले जा रहे हैं संतोष और समीरन को लेने, फिर कहाँ जाएंगे हम प्लान कर रहे हैं, मॉल जाएं घूमने के लिए, कहाँ जाएं। एक तो जगह समझ में नहीं आती, घर से तो निकल लेते, घूमने का मन तो होता है, घूमने निकले, लेकिन जाए कहाँ, कुछ डिसाइड कर दो यार। जो दिल्ली गुड़गांव के बंदे रहते हैं कि यहाँ चले जाओ घूमने, ये अच्छी जगह है, यहाँ चले जाओ। अपने को ना ज्यादा आइडिया नहीं है, ये आए नहीं अभी तक नीचे, फोन तो मैंने कर दिया था। आ जाओ, वो देखो दोनों बाइक के अंदर खड़ी हुई है, संतोष की और समीरन की। हेलो छोटा, हेलो छोटो बलो, ओ भाई साहब बिजी ऑन फोन, छोटो बलो आ जाओ जल्दी, लेट हो गए हैं, जाना कहाँ ये नहीं पता लेकिन लेट हो गए हैं। सरप्राइज है भाई, सरप्राइज, हमें भी सुबह सुबह सरप्राइज मिला है। वकील आ चुका राजस्थान का, किसी ने केस लड़वाना, लड़वा लो। अब चलेगा संतोष चोड़ में, राजस्थान राजस्थान मैच हो गया ना, कोई फालतू बोले भाई। मेरे को लग रहा है तू पहला केस राजू पे करना चाहेगा। वकील भी साथ लेके चल रहे हैं, एक से बढ़कर एक। अभी ना साहिबा ने बोला शॉपिंग कर लेते हैं, मतलब जो भी शॉपिंग होगी अपने पैसों से करूंगी। हाँ ठीक है, वकील कहता इधर भी एक अगर टी शर्ट हो जाए तो साथ में संतोष की आवाज भी है कि इधर भी हो जाए। मतलब भाई साहब दोनों एक जैसे, दोनों राजस्थान के ना। लेकिन तेरे को पता है ए समीरन, इसने क्या गिफ्ट दिया है साहिबा को? गोल्ड के इयर रिंग भाई, पिछले बर्थडे पे गोल्ड की रिंग दी थी, पिछले बर्थडे पे गोल्ड की रिंग दी थी। पिछले से पिछले पे ये क्या कर रही है ना, अपना सोना इकट्ठा कर रही है। जब शादी करोगे ना थाली में रख के लाऊंगी, सारा सोना वापसी कर देना, ये मैंने दिया है दिखाने के लिए। अच्छा ऐसा भी होता है, पता चले सारा थाली में डाल के वापसी लेगी, हो गया मेरा रेट बढ़ गया है सोने का। हवा नहीं चल रही आज बिल्कुल भी ना, और हमने प्लान कर लिया भाई, हम जा रहे हैं एमबीएस मॉल घूमने के लिए, पूरा मॉल घूमेंगे। नहीं, तू तो गाड़ी का देखभाल करेगा, और हम किसी कैफे कूफे में बैठ देंगे ऊपर, जिसको घूमना है वो घूमेंगे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा पूरा मॉल घूमेंगे, पूरा मॉल घूमेंगे ऐसे कह रहा हूँ। 2-3 घंटे भी लग सकते हैं वैसे। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम ऊपर बॉलिंग कर लेंगे, आइस स्केटिंग देख लेंगे, करेंगे नहीं देख लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे, हम अपना टाइम पास कर लेंगे, लेकिन घूम नहीं सकते भाई इतना। मतलब आधा पौना घंटा घूम सकता हूँ, आधा पौना एक घंटा आराम से घूम लूंगा, उसके बाद थोड़ा वैसा हो जाता है ना कि हाँ क्या कर रहा हूँ मैं, मतलब वही चलता जा रहा हूँ। हाँ। देख लेंगे, कर लेंगे मैनेज कर लेंगे। कॉफी पी लेंगे, तुम्हारे लिए जान भी हाजिर है, बताओ कर ले। मांगना मत लेकिन जान हाजिर है, लेकिन मांगना मत। गिफ्ट हैम्पर हमारे लिए, तुम्हारा बर्थडे है ना, सरप्राइज है, ये भी सरप्राइज है। देना भैया एक पकड़ाना, एक दे दो भैया। नहीं दे रहे क्या? नहीं दे रहे क्या भैया? हाथ आगे बढ़ा के उठा लेना। कोई नहीं, आप अभी नेक्स्ट टाइम आओगे तब ले ले।
घूम के भाई आगे से घूम के आते हैं। घूम के क्या बैग ले लेता हूँ ना, नेक्स्ट टाइम हो गया बैग ले लो। ये मेरे को लग रहा है किसी कस्टमर के होंगे, उसने खरीदे होंगे अंदर से, है ना? इतना सारा सेम टू सेम। हां, दिवाली दूली बांट, दिवाली दूली बांटने जा रहा होगा ना। कौन बात रहा है, मेरे को भी बताओ एड्रेस। एड्रेस के यहीं खड़ा हो जाओ, बाहर जैसे ही वो बंदा आए लेने अपनी गाड़ी में रखवाए, हैप्पी दिवाली बोल दियो, एक तेरे को मिल जाएगा। लगेगी तो नहीं? नहीं लगेगी। ये इन्होंने टेंट तो लग गई थी, लग गई नहीं थी, लग बच गई। हां, टेंट पीछे रह जाए, गाड़ी आगे निकल जाए। लो जी, हमने गाड़ी खड़ी करी और देख नंबर से कितना सही है, B2222। याद रखने के लिए वीडियो बना रहे हैं यहाँ पर। गाड़ी मेरी पार्किंग में लग चुकी है, फोटो भी ले लो। सीधी हो गया, चला गया। हाँ, तो मीरज जैसे ही अंदर गया, हम चेकिंग करा रहे थे, इधर में अंदर चला ही गया, चला ही गया भाई। और भाई मैं नहीं देखो, बटन भी दबाए दोनों, तेरे सामने दबाया ना, कट 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 करके खुली थी लिफ्ट दोबारा। हाँ, मेरे को लग रहा है ऊपर छोड़ के कहाँ चला गया था भाई, हम देख रहे हैं भाई, बटन दबा रहे बाहर से, याद है दबाया ना, खुली नहीं रही, खुली नहीं रही, गई गई गई। ये लगा मैं कितने हो गया, वो तो उतर गया था। अब हम बेसमेंट जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं ना। चलो ठीक है। एक तो आजकल हर जगह लिमिटेड एडिशन लिख देते हैं ना, मन कर जाता जाने का। क्या क्या बोल रहे हो? मैं मन कर जाता जाने का, एक बार देख ही लेते हैं, लेंगे इस बार एक शूज भी नहीं, बड़े सारे हो गए भाई। मुझे अच्छा लग रहा है। फटाफट से वो शूज वाले स्टोर में ग्राउंड मारो और बाहर आ गए, रुके नहीं वहाँ पर। एक दो शूज अच्छे लग रहे थे, हाथ भी नहीं लगाया, दूर से देखे और निकल लिए। अभी नए जूते पहली बार पहन के घूम रहे हैं और दो तीन और पड़े हैं। मैंने नहीं भाई, आज शॉपिंग नहीं, कुछ भी कर ले आज शॉपिंग नहीं करेंगे। ये देखो पहली बार पहने मैंने ये शूज, उसने भी सेम पहने। वो कहाँ जा रही हो? हम बाहर मिलेंगे खाने पीने की दुकान पे। बाय। अच्छा चलो चलो आओ आओ, चाचा मत करना यहाँ पे। ऑटो ही ऑटो, ऑटो कार, स्टोर अच्छा बनाया हुआ है। हाँ मैं कहता हूँ ये पूरी रोड बनी हुई है। ये देखना, ये रहा भाई साहब, पीछे भी था ये स्टोर, कैफे की तरह बना रहे हैं, कैफे की तरह। ना डब्बे के अंदर से गा रहे थे, देख निकाल लेना अपनी है। भाई साहब भी वेट कर रहे हैं किसी का, इनकी बीवी भी शॉपिंग कर रही हुई कहीं ना कहीं, हमें भी कुर्सी दिखी है बैठने के लिए, तुम करो आराम से। लो भाई साहब, भाई कंफर्टेबल है ना? हाँ हाँ, भैया जब इतनी जगह है तो थोड़ा सा हमें भी दे ही दो, है ना? आजा आजा बैठ जा, आजा। वो देखो वो खड़ी, क्या कह रही हो? बिल्कुल नहीं, ऑलरेडी इतने सारे बैग हैं। देखो भाई हम तो यहाँ पर आके सोफे बैठ गए हैं सामने वाले मॉल में ना, सामने वाली शॉप में। नो 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 नो। दिखा दिखा दिखा। ओ भाई ये वाली पहन के, ये वाला कलर, ये वाला पहन, ये वाला, ऐसा लग रहा है ना कोई बोरी सी पहन ली हो, बोरी वाला कपड़ा ना ये। और भाई मैंने दो जीन्स पसंद करी है, पहन के देखता हूँ अच्छी लगेगी तो ले लेंगे। ओ भाई फुल गोवा वाली फील भाई, गरीबों के चेहरे पे सूट नहीं करती है। नहीं फॉरनर लग रहा भाई, फॉरनर। पहनी पहनी ये वाली, ये कलर तो ले, इसको देख ये देख भाई साहब, ये बढ़िया लग रही है। ओ भाई ये बढ़िया, ये जैकेट अच्छी लग रही है यार। साहिबा कह रही शाम को घूमने जाना ना, तो शाम के लिए कपड़े नहीं है। मैं चलो ठीक है कर लो शॉपिंग, मैं भी देख लेता हूं एक आधी जीन्स वीन्स। ये देख शूज, देख शूज, देख कलरफुल हमारे टाइप के। पता मेरे को क्या लग रहा है, ये कवर मैंने किसी और की पहन ली है, खुल ली है। देख रहे इसमें अगर छोटा साइज 42 पहन लिया यार, मेरे को 32 पहनना था भाई। ये 42 है ना, दिस इज 32 इज इंडियन साइज, 32 इज इंडियन साइज ना। हां तो एक भाई इसमें देखिए यार, एक बार 30 मिल जाए गलती से, क्या मिल गया, सही लग रही है देख पहनी हुई। हां अच्छी लग रही है, पहन बहुत घर से पहनते हो, ये घर से पहन। देखो अपने को ना ये जीन्स मिली है, अच्छी लग रही है, मतलब इसकी फिटिंग अच्छी आ रही है, क्या कहते हो आप लोग? भाई साहब 42 कमर ले आया था मैं। हाँ ये 30 है ना, ये शायद सही आएगी भाई। चलते चलते किसी ने नाड़ा खींच दिया तो इसका, हाँ ऐसे ही गिर जाएगी ये तो। वो काले का, वो हुआ कितना काले का जा रहा है। हेलो मेरी पेंटी उतार रहे हो? भाई साहब क्या लग रहा है, एक काम कर सकता है, जहाँ से जूते उठाया ना अपने वाले एग्जैक्ट वहीं रख दे बस।
ओ भाई ओ ये अपने वाले यार ये गंदे ये भी ले जाऊंगा महंगा है वो ये भी लेके जाएगा चल फिर मिलेंगे बाय मैंने कुछ नहीं करा सारा थैले इसके पकड़े हुए हैं मेरा कुछ भी नहीं है इसमें ये देखो समीरन ने एक जूते लिए हैं ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये समीरन ने शूज लिए ना क्या प्यारा शूज लग रहा है ना भाई साहब और दिलाया किसने संतोष ने भाई संतोष मेरा भाई नहीं है भाई गले मिलते मैं दिखाता हूँ ना कैसे संतोष मेरा भाई है भाई 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 मेरे को भी कहते एक जोड़ी तुम भी ले लो लेकिन मैंने मना कर दिया खराब हो गया वाला कोई दिक्कत नहीं मैं दिलाता हूँ मैं लगा कान बंद करके जा रहा है ओ चीटिंग नहीं चलेगी भाई इतने महंगे जूते नहीं है 5,000 रुपए के जूते वो भी नहीं दिला सकता तू सुन ही नहीं रहा कुछ तो चुरा के लाए हम लीज के लिए थी कह रहे तुम कैसे पी रहे हो क्या हो रहा है चेक कर रहा ना जहर ना हो जहर तू भी तो चेक करता है मैं कुछ खाने का मंगाता हूं चेक करता है जरूरी मेरे पास कुछ नहीं नहीं भाई तू नहीं पड़ेगा तो फिर किसका जवाब दूंगा बारी बारी चारों चेक कर लो दो बार चेक कर लेता हूं हां अब ये रोएगा बोलेगा मैं नहीं लूंगा जैसे बच्चे नहीं रोते मेरे को नहीं चाहिए मैं ये पीऊंगा ही खत्म हो गई अरे नहीं नहीं पिए नहीं पिए नहीं गर्म है बहुत ज्यादा गर्म है बहुत ज्यादा गर्म है आप ही ने तेज पी लिया कुछ भी ले लिया ओ भाई क्या लग रहा है एक नंबर का फुकरा अच्छा लग रहा लड़की वाला ना ये कैटी है ये कैटी स्टाइल बेशर्म आदमी इसको दिखाया भी नहीं पहना दिया सीधा हाँ। देखो अपने घूम रहा है ऑटोमेटिक जी शो बड़े दिन से ढूंढ रहे हैं हम क्या लाइट वेयर है लेकिन सर हमारे पास तो अभी आते हैं ओल्ड विंटेज पूरा विंटेज कलेक्शन लाइट ज्यादा ना इसलिए थोड़ा ब्लिंक कर रहा है पर जी शॉक में कलर तो एक से एक है लेकिन वो है ना पहन के एकदम हाथ पे जच जाए भाई ये तो नेक्स्ट लेवल दिख रहा ये भी अच्छा लग रहा भाई भाई ये भी अच्छी लग रही है ये ले ले क्या चलो जी ये रही हमारी नई वॉच इसको लेने का मेन रीज़न इसके अंदर कार्बन है भाई इसका पूरा केस कार्बन का है इन्होंने जैसे बताया हमने बोले दे दो एक बार ओपन करके दिखाते हैं और लिमिटेड एडिशन है ये अच्छा थोड़ा सा आपको भी कह रहा सर थोड़ा सा मेरे को भी ले लिया आप आ गए जी आ गए टॉम्स लिमिटेड एडिशन इतनी लाइट वेट है ना ये वॉच जैसे है ही नहीं ये पूरा का पूरा जो केस है ना पूरा कार्बन है अभी ऊपर पन्नी लगी हुई है पन्नी अभी उतारूंगा नहीं उतार के इतनी सुंदर लग रही है ना और ये जो ग्लास है ना ये भी सफायर ग्लास है कोई स्क्रैच ही नहीं लगेगा लो जी हमें यार रोलेक्स दिख गया था हम देखने आ गए यार ये तो हमारे वाला ही लगा रखा है इन्होंने सेम टू सेम हमारा वाला तो इससे महंगा है हमारा तो ब्लू डायल है ना हां ये ब्लैक डायल है और ये एग्जीबिशन के लिए बेचने के लिए नहीं एक और लगी हुई है यहां पर अच्छा एक जेंट्स है एक लेडीज है इनको बोलो क्या हमारा वाला भी रख लो यहां पे एग्जीबिशन के लिए ना किराया दे देगा हमें नहीं कॉपी नहीं रखेंगे लोग आ जा ये ओरिजिनल है ना इनको पता चल जाएगा पता लग जाएगा देखने से पता ही नहीं चलेगा इनको हम बताएंगे नहीं तो पता ही नहीं लगेगा बताओ क्या सोच के आए थे सिर्फ शॉपिंग करके जा रहे हैं सबके हाथ में थैले ही थैले सोच के ही आए थे आएंगे बॉलिंग करेंगे थोड़ा एंजॉय करेंगे एंजॉय अभी भी कर रहा लेकिन वो बॉलिंग वाला एंजॉय नेक्स्ट लेवल होता कौन जीत रहा है कौन हार रहा है एक्साइटमेंट होती वो अलग लेवल का मजा होता लेकिन 8 यहीं बजा दिए हैं बॉलिंग का प्लान ही कैंसिल कर दिया बैग लेके निकल पड़े हैं मैं तो कह रहा हूँ अभी भी कर लेते बॉलिंग मजा तो आएगा वो गाड़ी की बढ़िया लग रही है ना सुंदर अति सुंदर ये भी सुंदर लग रही है ये तो जहर है जहर है जहर जहर की चाट और डिक्की में कैसे रखोगे सामान डिक्की में तो हैप्पी बर्थडे है चलो हटाना तो है ही है थोड़ा थोड़ा साइड करके रख देते हैं नहीं मुझे फोटो लेने दो इसमें
फोटो ले तो ली और कितनी लेनी है? निकल जाती थी मैं कितनी बार। नहीं नहीं इसकी, अरे वो बता रहे हैं इसके एग्जिट बहुत सारे हैं, एक नहीं है। जिस एग्जिट से तुम आयो ये ज्यादा नीचे है ये वाला, ट्राई कर लेते हैं, अगर नहीं होगा बैक ला सकते हैं ना वापसी। 1% नहीं निकलेगी, बैक ले आएंगे ना वापसी। बस ठीक है ठीक है चलेगा। तो भैया तो कह रहे हैं निकलना मुश्किल है, भैया साथ में जा रहे देखने के लिए, अब देखते हैं क्या होता है। मेरे हिसाब से तो निकल जाएगी, भैया ही बताएंगे। रुको। लग जाएगी, पक्का लग जाएगी। हाँ लग जाएगी, पक्का लग जाएगी। हाँ ये रुको, ये ऊपर भी नहीं जा रहा ना, और लग जाएगी। आना थोड़ा आगे ना, यहाँ यहाँ से आओ, यहाँ से आओ, यहाँ से आओ। यहाँ से काट के आओ, आ जाओ 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 आ जाओ। निकल गए भाई, एकदम 19-20 का फर्क था। यार टेंट का नहीं था, टेंट तो मजबूत है, उनका शटर ना साथ में आया था। 19-20 एकदम, बस इतना एक उंगली का फर्क। एक उंगली भी नहीं, इतनी सी चुन्ना सा। वही तो कह रहा हूँ, डर उसका नहीं था कि टेंट है, टेंट तो बड़ा मजबूत है। निकल गई भाई साहब, रहे हो पिछली बार तुम यहीं फंसी थी ना? मैं यहाँ नहीं फंसी थी, मैं दूसरे वाले गेट में फंसी थी। मॉल एम्बियंस ही था ना, एम्बियंस मॉल में अक्सर ऐसा हो जाता है, दिन में घुसे थे, अंधेरा हो गया भाई, बाहर निकलते ना, पूरा दिन हमने एम्बियंस में खत्म कर दिया। वाह वाह जोरदार तालियां, अपने अपने लिए मार लो। तुम क्यों नहीं मारती, सबसे ज्यादा शॉपिंग तुमने करी है। वेरी गुड, हम भी अपनी शॉपिंग कर रहे थे ना। बस वही तो, हम जेंट्स की शॉपिंग कर रहे थे, तुम लेडो ये यहाँ का लेके जा रहे हो आपकी मॉल की साइड, पूरा आगे से यूटर्न मार के आना पड़ेगा। ओ बाप रे बाप, यहाँ से जाएंगे पूरा घूम के इस वाले। लो जी घर तो हम लोग पहुँच चुके हैं, अब मैं साहिबा को कह रहा हूँ कि चलो थोड़ा पर्सनल टाइम साथ में घूम आते हैं, और ज्यादा गाड़ी साथ तो नहीं लगा दी, डिक्की खुलेगी नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, रुक जा थोड़ी आगे करता हूँ। तो मैं मैडम कह रहा हूँ थोड़ा घूम आते हैं, और ये कह रही कहाँ जाएंगे, थक गए हैं, जाना नहीं जाना, कल परसों चल लेंगे। हाँ कल परसों चल लेंगे, बर्थडे आ जाए, कल परसों चल लेंगे। बताओ, मैंने बोला अभी सबके साथ घूमा है, थोड़ा पर्सनल भी घूमाते हैं, क्योंकि थोड़ा पर्सनल टाइम क्वालिटी टाइम भी साथ में एंजॉय करना ज़रूरी होता है, जब आप एक रिलेशन में होते हो ना, हस्बैंड वाइफ या कुछ भी, ज़रूरी होता है, मतलब मेरे को ऐसा लगता है। तो मैंने बोला चल लेते हैं, अभी तो 8:30 ही हुए हैं, आराम से 9 बजे तक निकलेंगे और 11-12 बजे तक वापसी आ जाएंगे। अब कह रही है नहीं थक गए हैं, मॉल घूम के आए हैं, देखते हैं क्या करते हैं, एक बार पहले सामान सामून लेके घर पे चलते हैं। शायद कि नहीं, सब निकाल लिया यार, लग तो मेरे को सब निकाल लिया है। चलो ठीक है, आ ही गया होगा फिर सारा। ये वाली बाइक रेडी कराई है? अच्छा तूने तो देखी नहीं, तू जब से आया वकील। लाइट जला पीछे वाली, ये इसमें आ तो जाएगी तेरी हाइट, अगर सस्पेंशन हम कम कर देंगे तो। वो है ना तेरी हाइट की ये तो पता नहीं कहा। तो है भगाने के लिए है वो, तो लाइट बंद कर रही है देख ही नहीं रही है, थक गए ना सब। चल कर दे बंद कर दे। बताओ, और पता नहीं कितने दिन हो गए, ऐसा लग रहा है बाइक चलाई नहीं हमने, सुपर बाइक तो बिल्कुल नहीं चलाई। संडे राइड, अरे कहाँ संडे राइड पे गए नहीं ना इस बार, पिछले संडे गए थे सुपर बाइक लेके। कल चलाएंगे संडे को ना, ओ कल चलाएंगे संडे वेरो, कल चलाएंगे सुपर बाइक कल, लेकिन संडे नहीं है, कल ट्यूजडे है। स्प्लेंडर लेके चले जा, वहां से ट्रक में भेज दियो वापसी, ट्रक में वापसी भेज दियो, ये हमारे घर की शान है। कोको कोको देखो क्या लाए, आ जाओ। नहीं मिलना मेरे को आपसे। कोको देखो क्या लाए, ले लो जल्दी आओ। पूछ ला रहा सुंगी। आज कोई डॉगी नहीं मिला हमें, कोई डॉगी नहीं मिला, परफ्यूम लगा के गया था सिर्फ। सुंगी, ये छोटी सी जो नाक है ना, दिखाओ यहाँ नाक, दिखाओ अच्छे से, ये छोटी सी जो नाक है ना हमारी, बहुत तेज चलती है, हमें बहुत मजा आता है। अनबॉक्सिंग करते हुए हम ये उतारी हमने इसके ऊपर से,
अब देखो, अब इसकी असली लुक नजर आई है। ऐसे ना धुंधली धुंधली नजर आ रही थी, अब ये देखो एकदम क्लियर। लो जी लो, मैं तो हो चुका हूँ रेडी। एक बार वो वाले शीशे में दिखाता हूँ, यहाँ पर पूरा नजर नहीं आ रहा, लेकिन मेन सरप्राइज ना अभी बाकी है, वो बाहर रेडी हो रही है। सरप्राइज क्या है आपको भी वहीं जाके बताता हूँ, मतलब मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। एक बार बाहर वाले मिरर में दिखाता हूँ, उसमें अच्छा लगेगा। ये देखो, ये मैं एक नई जीन्स लेकर आया था अभी, ये कलर कुछ अलग है, ग्रीन कलर है ना। शूज तो मैं यही पहन रहा हूँ, हो सकता है चेंज भी कर लूँ, लेकिन ये टी शर्ट अच्छी लग रही है। कैसा लग रहा हूँ कोको, कैसा लग रहा हूँ? बहुत अच्छे लग रहे हो पापा, आप तो हमेशा ही अच्छे लगते हो, आप दुनिया के बेस्ट पापा हो। थैंक यू कोको। जब कपड़े सारे चेंज कर ही लिए हैं तो लगे हाथ शूज भी चेंज कर ही लेते हैं। किसको देख रहा है वहाँ? कोई भी नहीं है। ओ भाई ओए, कौन है वहाँ? कोई भी नहीं है। दांत देखो, दांत देखो इसके, यहाँ देख, यहाँ देख, ये ले ले, ये रहा, ये रहा, इधर देख, इधर 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 दांत दिखा पहले, ड्रैकुला जैसे। ये देखो, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको खत्म कर दूंगा। अब बताओ कैसे लग रहे हैं शूज, बताओ बताओ बताओ। मेरे को अब ज़्यादा बेटर लग रहे हैं इस पैंट के साथ ना, जा भी रहे हैं ये। आज पूरा दिन हमने कुछ नहीं करा, रेडी हुए हैं, घूमने गए हैं, फिर आके फिर रेडी हुए हैं, फिर घूमने जा रहे हैं। ये देख वकील, ये वाले जूते कैसे लग रहे हैं? है ना, ये मैच हो रहे हैं ना, वो मैच नहीं होते रेड वाले ना। ये देखो भाई साहब, ये पहली नींद में, गहरी नींद में, जैसे पता नहीं कहाँ घूम के आया है, जैसे लद्दाख, जैसे कह रहे हो लद्दाख की राइड करवा दी हो इसको। मॉल, हाँ लंबा मॉल था ना भाई, पूरा इधर जाओ उधर जाओ, तगड़ा घूम के आया वकील आज। कब का रेडी बैठा हूँ, ये रेडी होके आई नहीं। ओ आ जाओ भाई, ओ लेट हो जाएंगे। कोको भी यहीं बैठा हुआ है। कोको क्या हुआ आपको? ओ कोको, ओ कोको, कोई मतलब नहीं है इसको। मेरे को लग रहा है कैंडल लाइट डिनर, लाइटें शाइटें होंगी, कैंडल लाइट डिनर होगा हमारा। सारी इन्फॉर्मेशन ही यहीं पर निकलवा रहा है, कौन सा डिनर करने जा रहे हो, कैंडल लाइट डिनर है या वो है, मेरे को भी ले जाओ। मैं तेरे को क्यों ले जाए भाई, अभी घुमा के लाए ना, वापसी आके फिर ले जाएंगे। अभी हमारा थोड़ा पर्सनल, थोड़ा हमारा पर्सनल टाइम है। कह रहे पैर तोड़वाने मेरे को ले गए थे पूरे मॉल में पैर तोड़वाया, तुमने कुछ भी दिखा रहा हूँ। मेरे को नहीं लग रहा हम आज की डेट में जाएंगे, मेरे को नहीं लग रहा हम आज की डेट में जाएंगे। अच्छा, मेरे को लगा कि कैफे कूफे जाते बंदे, थोड़ा जल्दी निकल जा रहा है 7-8 बजे। वाह, तो सुंदर लग रही हो मेरी तरह, जितना सुंदर मैं लग रहा हूँ उतनी ही लग रही हो, उससे ज्यादा नहीं लग रही। ये अच्छा लग रहा है कान का ना, इवेल आई कहते हैं इसको, इवेल आई ना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बस ठीक है, मेरे से थोड़ी सी कम हो लेकिन चल जाएगा सही नहीं कह रहा, थोड़ी मोटी हो गई हूँ, आपसे पतली हो जा रहा हूँ। मेरे से पतली नहीं हो सकती भाई, मैं फुल डाइटिंग करता हूँ, चलता है इतना भी। चलो जी, मेरे को लग रहा था जाएंगे नहीं, जिस हिसाब से ये थकावट हो गई थी ना इसको, वकील को, कि ज्यादा ही घूम लिए हैं, बोला चल लेते हैं यार, दिन बार बार नहीं आते। वैसे तो हर संडे चाहो या हर रोज चाहो आपका बर्थडे होता है, लेकिन एक वो होता है ना स्पेशल डे, तो थोड़ा घूम लेते हैं, आलस नहीं दिखाते। 2-3 घंटे में वापसी आ जाएंगे, जब घर से निकलेंगे तो मजा आएगा, है ना। चलो ठीक है, तैयार शहर हो गए, 2-3 फोटो वोटो भी क्लिक करा लेंगे। बढ़िया, बहुत मुश्किल से तैयार हुई हूं मैं अरे नहीं जा रहा, नहीं जा रहा ना, चलो यार तैयार हो जाओ। तैयार होने के चक्कर में नहीं जा रही, हाँ तैयार होने के चक्कर में नहीं जा रही थी, फिर से कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, मेकअप वेकअप दोबारा सेट करना पड़ेगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, 5-10-15 मिनट लगा लो, निकल लेते हैं, निकल ही गए, फाइनली मजा आएगा। कभी भी आप बाहर जाने का प्लान करते हो ना, सबसे ज्यादा दिक्कत क्या आती है, मतलब ऐसा मेरे को लग रहा है हमें नहीं आपको भी आती है, क्योंकि जाए कहाँ, मेरे को तो बहुत आती है, समझ ही नहीं आता। मैं इनको कह रहा तुम देख लो, ये मेरे को कह रहे तुम देख लो, मतलब भाई बाहर चलना है तो देख लो, नहीं हम ऐसे निकलते नहीं है, हाँ बहुत मतलब रेयर ही निकलते हैं, लेकिन ढूंढते ही रह जाते हैं रास्ते पर, जाना गए जाना गए, समझ ही नहीं आता, इसलिए हम घर से सोच के निकले। लास्ट टाइम जो अभी राइड करके मेरे फ्रेंड के कैफे गए थे ना, वो अच्छा सजाया वजा हुआ था, लाइटिंग वाइटिंग वहाँ पर अच्छी है, तो मतलब वहीं चलते हैं, चलो ठीक है वहीं चलते हैं। एक बार घर से डिसाइड करके निकल जाओ तो बढ़िया है, नहीं डिसाइड करके निकलो ना तो मेरे को लगता है घूमते फिरते फिर घर ही आया था कि यार पता तो लग नहीं था कहाँ जाना है, चलो बाहर एक कॉफी पी के घर ही चले जाओ। इसलिए घर से डिसाइड करके निकलो कि हाँ यहीं जाना है तो प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा, नहीं तो फिर सारा मिट्टी हो जाता है। लो जी, हम लोग पहुंच गए हैं, तुम्हारा ये ले जाएगा टेडी बियर साथ में, क्यों ये क्या करेगा, बैठ जाएगा हमारे साथ, ये भी थोड़ा खाना खा लेगा, कबाब में हड्डी बन जाएगा, हड्डी कलर की तो है ये भी। अब बताओ कैसा बना हुआ है, अच्छा सही है ना, फोटो आएगी यहाँ पर एक नंबर, यहाँ पे, हाँ यहाँ दिल के अंदर, जाओ इन पैसा निकल के जाओ,
कैसा लगा? तभी मुझे बोल रहे रेडी हो जा, रेडी हो जा। तुम कह रही नहीं ज्यादा, मैंने बोला सारा सरप्राइज ही मिट्टी हो। हैप्पी बर्थडे टू यू। ये सारी हमारी फोटो है, जितनी लड़की है जाके देखो कौन कौन सी फोटो है, ये मैंने चूज करी है। भाई साहब खा लिया पी लिया, मतलब पी लिया तू, पी लिया जूस पी लिया, फिर याद है केक तो काटा ही नहीं हमने। सूप क्या था? सूप क्या था? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक नंबर। ऐसा सूप नहीं पिया मैंने कहीं। हमने भी पहले आके यहाँ पर सूप पिया था, इतना टेस्टी लगा। मैंने इनको बोला पहले सूप ही लेकर आओ, बहुत टेस्टी, एक नंबर भैया। चलो सही है, साहिबा का ऐसा गायब हो गया। ये केक भी तुमने खाना पूरा, ठीक है ना? चलो डन है। मेरा नहीं है, मैम का ही है। हाँ उनको भी लग रहा है। कह रहे केक काट के पहले इसको खिलाया है, इसी का बर्थडे होगा। हमने आज के खाने की शुरुआत करी घास फूस से, क्योंकि इनको सैलेड खाना था। हेल्दी हेल्दी सैलेड। लो जी डिनर भी हो गया, डिनर के बाद फ्राइड आइसक्रीम कैसी लगी? मुंह नहीं रुक रहा ना, खा जाओ। आज कम से कम 2 किलो वेट बढ़ा के जाना है। 4 किलो। तो ये जितनी भी फोटोज है ना भाई, हमारी यादें हैं। हम इनको निकाल के अपने साथ लेकर जा रहे हैं, एक एक करके सारी निकाल लेंगे। हाँ हाँ, पीछे टेप चिपकी हुई है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये उमलिंगला की है ना, सारी जगह की मैंने एक एक फोटो भेजी थी। ये कल की है, ये दिवाली की है, सब दिन की एक एक फोटो, बहुत पुरानी पुरानी भी है। चलो जी फाइनली निकल गए, और बहुत सारी फोटोज हैं, मेरे को लग रहा है 25 से ऊपर फोटोज हैं। और केक भी हमने थोड़ा सा ले लिया घर के लिए, साधना को खिलाएंगे, वकील को, समीर इनको, संतोष को, थोड़ा सा लिया हमने, पूरा नहीं लिया। जितना केक था उसका आधा ले लिया, आधा हमने बोला आप लोग खा लो। अच्छा था आज का दिन, 12:15 हो चुके हैं और 15-20 मिनट घर पहुँचे, घर पास में ही है। मज़ा आया नहीं आया? है ना। तो जी लो देखते देखते घर पहुंच गए, बातें करते करते टाइम का पता ही नहीं लगा, रास्ते का पता ही नहीं लगा। केक ले आए, और ये देखो ये जो लाइट है ना, इसमें व्लॉग बढ़िया होता है, बढ़िया रोशनी है ना। फ्लैश भी नहीं चलाई हुई मैंने, बिना फ्लैश के मैं एकदम गोरा चिट्टा आ रहा हूँ, तुमसे भी ज्यादा गोरा। गोरे तो हो गए हो, मैं सब रह गई नहीं, मैंने अपनी स्किन की केयर करी है, केयर उसकी वजह से हुआ हूँ मैं। एक कोकू की आत्मा आ गई है तुम्हारे में। एक एक करके सबको विश करो, सबका हैप्पी बर्थडे, ये कह रही सबको विश करो आज सबका बर्थडे। सबका बर्थडे कैसे हो सकता है? मेरी बाइको का बर्थडे, सबका बर्थडे, सबका बर्थडे, सबका बर्थडे, सबको हैप्पी बर्थडे, सबको हैप्पी बर्थडे। वकील बैठा हुआ केक खाने के लिए, वकील अरे ले इसको, दरवाजा ही नहीं खोल ला रहा। साधना सो गई है ना, अभी आधा घंटा लगा दरवाजा खोलने में। भाई केक लाए तेरे लिए एकदम चॉकलेट वाला, दिखाना कौन सा लाए? दिखाना कौन सा, वो भी बिना अंडे के। ओ इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको भी खाना भाई केक। वो कह रहा मेरे को केक खिलाओ, देखो साथ ही चला गया उसके। कोको को देख लो कैसे देख रहा केक को। कोको केक खाना है क्या? तलवार का है अपने पास। कह रहा तलवार का अपने पास, इसमें नहीं है तलवार, रसोई से लाना पड़ेगा चाकू। मनाली वाली, ये भी कहीं की है, पुरानी यादें हैं जो कि यूट्यूब पे नहीं है। ये कल वाली, ये वाली, ये मैं बता दूं कहां की है? हाँ नहीं बताना नहीं है, सारी चीजें थोड़ी बताई जाती है, बस है कहीं की। ये दिवाली की, ये फिर विकास की शादी की, ये भूटान की, ये भी मनाली की, ये हमारे सॉन्ग शूट की, ये भी शादी की, उमलिंगला घर के बाहर जब जेएसडी लेकर आए थे, और ये ट्रैक्टर की डिलीवरी ली थी, ये अभी जब हम घूमने गए थे उत्तराखंड। सही है, जोन जोन थी मेरे को अच्छी लगी ना, मैंने सारी लगवा दी।
चलो ठीक है यार, होप करते हैं आपको आज के व्लॉग में मजा आएगा। यहाँ तक आपने देख लिया लाइक करें बिना बिल्कुल मत जाना। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। देखो कोई भी छोटे छोटे घर में खुशी होती है ना, तो घर वालों को छोटे छोटे सरप्राइज देता रहा करो। छोटे छोटे कुछ भी केक ले गए, छोटा सा गिफ्ट ले गए, जो नहीं महंगा गिफ्ट, छोटा सा 1-2-5 रुपए का भी ले जाओगे ना, घर वाले खुश होते हैं। कुछ भी छोटे छोटे सरप्राइज ना देते रहा करो, सामने वाले को ना खुशी होती है। मतलब उसको ऐसी उम्मीद नहीं होती कि भाई महंगा ही गिफ्ट आएगा, कुछ भी होगा ना लेकिन सरप्राइज मिलता तो भाई दिल से खुशी होती है। बाकी यहाँ तक देख लिए लाइक सब्सक्राइब कमेंट, कुछ भी अच्छा लगे कमेंट जरूर करना। मिलते हैं किसी बड़े से वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड नाइस, बाय 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 बाय। कोको को देख लो भाई एक बारी। हाँ क्या हुआ तेरे को, आज तो कोई डॉगी भी नहीं। ओ हाँ आज डॉगी मिला था, आज हम जहाँ कैफे गए थे उसके बाद डॉगी मिला था तेरे को, उसकी खुशबू आ रही है ना। चलो बाय बाय, चल भाई वकील बाय 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 बाय। वाली जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ, अब शोहरत पाली मैंने दौलत पाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।